हे व्हाट्सअप पीपल, मेरा नाम सिद्धार्थ। वेलकम बैक टू चैनल अगेन। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। देखो, ऑफिशियली टाटा कंपनी ने पंच को इंडियन मार्केट में रिवील कर दिया है। इसके हर एक वेरिएंट की इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर आई है, तो इस वीडियो के अंदर मैं टाटा पंच के सभी वेरिएंट्स के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। टाटा कंपनी ने पंच को 4 अलग वेरिएंट के साथ इंडियन मार्केट में उतारा है, जिसके अंदर आपको प्योर पर्सोना ये वेरिएंट मिलने वाला है और ये बेस वेरिएंट रहेगा। इसके अलावा एडवेंचर ये मॉडल रहेगा, इसके अलावा एकॉम्प्लिश और क्रिएटिव, तो ये 4 वेरिएंट के साथ टाटा पंच को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया है। प्योर पर्सोना ये बेस वेरिएंट रहेगा, इसके अलावा क्रिएटिव ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट रहने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब आपको टाटा पंच के अंदर XE, XM, XT इस टाइप से वेरिएंट्स देखने को नहीं मिलेंगे। इसके नाम कंपनी ने चेंज कर दिए हैं। अगर मैं प्योर पर्सोना इस बेस मॉडल की बात करूं तो इसके अंदर काफी कमाल के फीचर्स ऑफर करे गए हैं, जैसे कि सेफ्टी के लिए अब आपको ड्यूल एयरबैग्स को ऑप्शन मिलेगा। एज अ स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स कंपनी ने ड्यूल एयरबैग्स को इंक्लूड किया है बेस मॉडल के अंदर। इसके अलावा ABS के साथ EBD ये फीचर भी आपको बेस मॉडल के अंदर मिलने वाला है। इंजन स्टार्ट और स्टॉप ये टेक्नोलॉजी आपको मिलने वाली। 90° ओपनिंग डोर ये भी आपको बेस मॉडल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा फ्रंट पावर विंडो का ऑप्शन आपको बेस वेरिएंट के अंदर देखने को मिल जाएगा, हालांकि रियर में पावर विंडो का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके अलावा LED इंडिकेटर का ऑप्शन इस वेरिएंट के अंदर दिया जाएगा। ह्यूमिडिटी क्रोम लाइन का इस्तेमाल भी इसके अंदर किया जाएगा। टिल्ट स्टीयरिंग व्हील, पेंटेड बम्पर्स इस मॉडल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और ये जो प्योर पर्सोना वेरिएंट रहने वाला है, ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएगा। इसके अंदर आपको AMT वेरिएंट नहीं मिलने वाला। हालांकि कस्टमाइजेशन के पैक्स अवेलेबल होंगे हर एक वेरिएंट के अंदर, उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। वही अगर मैं सेकेंड वेरिएंट की बात करूँ तो वो है एडवेंचर। इसके अंदर भी काफी कमाल के फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। इसके अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया जाएगा। और जो बेस मॉडल के अंदर फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि प्योर पर्सोना के अंदर फीचर्स दिए जाएंगे, वो सभी फीचर्स एडवेंचर के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा एडवेंचर के अंदर 4 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा, ये भी काफी कमाल की बात है। इसके अलावा गाने सुनने के लिए 4 स्पीकर्स इस वेरिएंट के अंदर दिए जाएंगे। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल का ऑप्शन भी आपको इस मॉडल के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा USB चार्जिंग पोर्ट, ऑल पावर विंडो का ऑप्शन आपको इस एडवेंचर मॉडल के अंदर देखने को मिल जाएगा, ये भी काफी कमाल की बात है। इसके अलावा इस मॉडल के अंदर फॉलो मी होम हेडलैम्प का ऑप्शन दिया जाएगा। बॉडी कलर ORVM और बाकी के फीचर्स एडवेंचर इस मॉडल के अंदर दिए जाएंगे। तो इसका जो सेकंड वेरिएंट रहने वाला है एडवेंचर, इसके अंदर आपको काफी कमाल के फीचर्स मिलने वाले हैं और इस मॉडल के अंदर भी आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस मिलने वाले हैं। वही अगर मैं थर्ड वेरिएंट की बात करूं जो कि एकॉम्प्लिश रहेगा, इसके अंदर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा। और टाटा ने इसके अंदर 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इंक्लूड किया हुआ है। हालांकि बेस वेरिएंट यानी प्योर वेरिएंट और एडवेंचर के अंदर आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एकॉम्प्लिश वेरिएंट के अंदर 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है, जो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारपे को सपोर्ट करेगा। इसके अलावा गाने सुनने के लिए आपको 4 स्पीकर्स मिलने वाले हैं और 2 ट्वीटर्स का इस्तेमाल भी इस एकॉम्प्लिश वेरिएंट के अंदर किया जाएगा। इसके अलावा रियर पार्किंग कैमरा का ऑप्शन भी इस वेरिएंट के अंदर दिया जाएगा। फ्रंट फॉग लाइट ऑप्शन इसके अंदर आपको मिलेंगे। इसके अलावा पुश बटन, स्टार्ट और स्टॉप ये ऑप्शन आपको मिलने वाला है। क्रूज कंट्रोल, इसके अलावा हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट का ऑप्शन भी इस वेरिएंट के अंदर दिया जाएगा। और अट्रैक्शन प्रो मोड सिर्फ AMT वेरिएंट के अंदर दिया जाएगा। तो ये सभी फीचर्स आपको मिलने वाले हैं टाटा पंच के सेकंड टॉप मॉडल यानी एकॉम्प्लिश वेरिएंट के अंदर। वही अगर मैं टॉप मॉडल यानी क्रिएटिव इस वेरिएंट की बात करूं तो ये वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल हो जाएगा। टाटा कंपनी ने इस वेरिएंट के अंदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप दिया हुआ है। इसके अलावा LED DRL भी आपको इस मॉडल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और 16 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको मिलने वाले हैं इस मॉडल के अंदर, लेकिन जो बाकी के वेरिएंट्स हैं उनके अंदर आपको 15 इंचेस के व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा क्रिएटिव इस टॉप मॉडल के अंदर रूफ रेल्स भी दिए जाएंगे। 7 इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको इस वेरिएंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इसके अंदर दिया ही जाएगा, वो अलग लेवल की बात है। वही ऑटोमेटिक हेडलैम्प का सेटअप भी इस वेरिएंट के अंदर दिया जाएगा। रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो फोल्डिंग ORVMs भी आपको इस मॉडल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। वही फुल ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन भी इस क्रिएटिव टॉप मॉडल के अंदर दिया जाएगा। इसके अलावा कूल ग्लव बॉक्स, रियर वाइपर विद वॉश, रियर डिफॉगर, पेडल लैंप्स, इसके अलावा रियर सीट आर्मरेस्ट, लेदर रैपिंग ऑन स्टीयरिंग व्हील और ढेर सारे जबरदस्त फीचर्स आपको क्रिएटिव इस टॉप मॉडल के अंदर देखने को मिल जाएंगे। हालांकि टाटा कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया तरीके से काम किया है। हर एक वेरिएंट के अंदर आपको कस्टमाइजेशन के पैक्स मिलने वाले हैं। जैसे कि अगर आप बेस मॉडल लेते हो प्योर, तो इसके अंदर आपको रिदम पैक मिलने वाला है, जिसके तहत आपको फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा 4 इंच का। इसके अलावा 4 स्पीकर्स मिलने वाले हैं और स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स मिलने वाले हैं बेस वेरिएंट के अंदर। इसके अलावा अगर आप एडवेंचर वेरिएंट लेते हो तो उसके अंदर आपको रिदम पैक मिलने वाला है। एडवेंचर वेरिएंट के अंदर आप
7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ले सकते हैं। इसके अलावा दो ट्वीटर्स के ऑप्शंस भी आपको मिलने वाले हैं। हालांकि नॉर्मली 4 स्पीकर्स दिए जाएंगे, लेकिन जो ट्वीटर्स है वो थर्ड वेरिएंट के अंदर दिए जाएंगे। इसके अलावा एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारपे का सुपर आपको मिलने वाला है कस्टमाइजेशन के पैक के तौर पर, और रियर पार्किंग कैमरा का ऑप्शन भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, और ये आपको मिलेगा एडवेंचर वेरिएंट के अंदर। जो सेकंड टॉप मॉडल है एकॉम्प्लिश, इसके अंदर डैजल पैक आपको मिलने वाला है, जिसके तहत आप 16 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील को ले सकते हैं। इसके अलावा LED DRLs और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, ये सभी चीजें आप ले सकते हैं सेकंड टॉप वेरिएंट के अंदर। वही अगर आप टॉप मॉडल के साथ जाते हो तो इसके अंदर आपको IRA पैक मिलने वाला है, जिसके तहत आपको कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी का फीचर मिलने वाला है। हालांकि टॉप मॉडल के अंदर ये फीचर इंक्लूड नहीं किया गया, एज अ पैक के तौर पर आपको कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन टाटा पंच के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ये सभी पैक्स इंक्लूड करे गए हैं टाटा पंच के अलग अलग वेरिएंट्स के अंदर। वही अगर मैं कलर कॉम्बिनेशन की बात करूं तो आपको 7 अलग कलर कॉम्बिनेशन मिलने वाले हैं। स्क्रीन के ऊपर मैं डिस्प्ले कर दूंगा, आप वीडियो को पॉज कर सभी कलर्स को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर बात आती है कि इनमें से वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आपके लिए कौन सा रहने वाला है। हालांकि टाटा कंपनी ने पंच के प्राइसेस अभी रिवील नहीं किए हैं, शायद एक दो हफ्ते के बाद इसके प्राइसेस सामने आ जाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से इसका जो एडवेंचर वेरिएंट है, इसके अलावा इसका जो एकॉम्प्लिश वेरिएंट है, ये बेस्ट वेरिएंट साबित हो सकते हैं। क्योंकि एडवेंचर के अंदर आपको मतलब गाड़ी चलाने का भी मजा आ जाएगा, आप मतलब आराम से इसको कहीं पर भी लेके जा सकोगे। इसके अलावा इसके जो एकॉम्प्लिश वेरिएंट है, इसके अंदर ऑलमोस्ट बहुत सारे फीचर्स ऑफर करे गए हैं एक्सेप्ट LED DRL, इसके अलावा डायमंड कट अलॉय व्हील, लेकिन वो भी आपको मिल जाएंगे एज अ पैक के तौर पर। तो यहाँ पर इसका सेकंड टॉप या फिर एडवेंचर पैक, ये एक अच्छा वेरिएंट साबित हो सकता है। तो ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि टाटा पंच के किस वेरिएंट के अंदर क्या क्या फीचर्स दिए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, राइड्स अप, वेयर हेलमेट, वेयर सीट बेल्ट। थैंक यू सो मच।